अगर आपने हमारे चैनल टेलिंग इन हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑन कीजिए बेल आइकन को, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज के पीछे की बैक डिजाइन। ये हमारा पीछे का कलर है, इसकी लंबाई है वो 15 इंच है। अब हम यहाँ से चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच की। अब हमने नीचे से गोलाई दी है, इसकी चौड़ाई है वो 2.5 इंच है। इस तरीके से हमने शेप दे दिया। अब हम गले की लंबाई रखेंगे, वो 9 इंच की रखेंगे। यहाँ पे हम 9 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब हम ये नीचे से कटिंग कर रहे हैं। नीचे का पैटर्न है। अब इसके बराबर हम बुकरम को काटेंगे। अब हमने बुकरम की चौड़ाई दी है वो 11 इंच है, लंबाई है वो 7.5 इंच है। अब हम बुकरम को डबल करेंगे। हम इसको इसके बराबर रखेंगे। ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा है। जो बीच का पैटर्न था उसके बराबर हमने बुकरम को काटा है। अब हम अस्तर के ऊपर ही बुकरम को रख के पहले सिलाई लगाएंगे। अब हमने बुकरम एक कपड़े के बराबर, जो हमारी ब्लाउज में से कटिंग की थी इसके बराबर हमने बुकरम काट लिया है। और ये अस्तर पे सिलाई लगा के बुकरम को हमने तैयार कर लिया है। अब हम एक कपड़ा लेंगे और इसके नीचे रखेंगे। अब हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे जो हमारा गले का शेप है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे।
तरीके से रख लें। पहले हम इस पे कच्ची करेंगे, दोनों साइड हमें इसी रख के हमने टुकड़े की है, डेढ़ इंच की चौड़ाई है, डेढ़ इंच की लंबाई है। कपड़े को हमें इस तरह से तिरछा करना है और एक बार और। अब इसके ऊपर हम लेस लगाएंगे यहाँ से। हम यहाँ पे ये फूल लगाएंगे या कोई बटन भी लगा सकते हैं इस तरीके से। ये बन गई हमारे ब्लाउज के पीछे की बैक डिजाइन। और जो कच्ची सिलाई है उसको हम हटा देंगे। यहाँ पे हम डोरी लगाना चाहें तो डोरी भी लगा सकते हैं। ये बन गई हमारे ब्लाउज के पीछे की बैक डिजाइन। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।